तो चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यूनिवर्सिटी की 2023-24 के लिए ट्यूशन फीस होस्टल फीस हॉस्टल सब कुछ डिक्लेयर हो चुका है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी की कितनी फीस है और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कितने मार्क्स पर यह डीम्ड यूनिवर्सिटी मिल सकती हैं यानी कि हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करेंगे और बजट के बारे में बात करेंगे कि कितनी ट्यूशन फीस आपको पे करनी पड़ेगी इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी में क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है लेकिन फीस काफी ज्यादा होती है जिसके मार्क्स ज्यादा होते हैं कम फीस पर एडमिशन मिलता है जिसके काफी कम मार्क्स होते हैं काफी बजट पर इसमें एडमिशन मिलता है तो अभी हम यहां देख लेते हैं कि कौन सी डीम्ड में कितने मार्क्स पर कितने बजट पर हमें कॉलेज मिल सकती है इस बार के लिए तो मैं जो आपको यहाँ कट ऑफ बताऊंगा ये लास्ट कट ऑफ बताऊंगा लास्ट कट ऑफ का मतलब होता है कि किसी किसी डिम्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ ज्यादा होती है सेकेंड राउंड में कम होती है कट ऑफ ज्यादा होती है लेकिन किसी डिम्ड यूनिवर्सिटी में फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कम रहती है सेकंड में कट ऑफ ज्यादा चली जाती है मोपअप में भी ज्यादा चली जाती है तो मैं आपको यहां पर ये लास्ट कट ऑफ बताऊंगा तीनों राउंड्स का एवरेज फर्स्ट राउंड में ज्यादा जा सकती है तो सेकंड राउंड में कम जाएगी तो लास्ट कट ऑफ क्या रहेगी उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो सबसे पहले हम बात करेंगे के मणिपाल की जो अच्छी यूनिवर्सिटी है अच्छी कॉलेज है इंडिया में आज की डेट में फिफ्टी डिम्ड यूनिवर्सिटी है और फिफ्टी डिम्ड यूनिवर्सिटी में जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हैं वो एडमिशन ले सकते हैं क्योंकि इसमें डोमिसाइल फ्री होता है किसी भी स्टेट का कोई भी कैंडिडेट एडमिशन ले सकता है यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी प्राइवेट कॉलेजें ही होती है लेकिन इनकी खुद की यूनिवर्सिटी होती है इनके अंडर मेडिकल कॉलेज होती हैं तो डीम्ड यूनिवर्सिटी खुद की यूनिवर्सिटी होने से इनके रूल रेगुलेशन खुद के चलते हैं इसमें तो इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी की जो काउंसलिंग करवाई जाती है वो एमसीसी द्वारा काउंसलिंग करवाई जाती है एमसीसी द्वारा बाकी सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की काउंसलिंग करवाई जाती है लेकिन डिम्ड यूनिवर्सिटी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है डिम्ड यूनिवर्सिटी भी उनकी काउंसलिंग भी एमसीसी द्वारा करवाई जाती है और इनकी हंड्रेड परसेंट सीट के लिए करवाई जाती है और ये जो काउंसलिंग है तीन राउंड की काउंसलिंग होती है एमसीसी द्वारा फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड मोप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड एमसीसी द्वारा

इसकी जो फीस है वो इस साल कोई बढ़ोतरी नहीं है इस साल के लिए इसकी फीस डिक्लेयर हो चुकी है सत्रह लाख सत्तर हजार फीस है इसकी पर ईयर की और फोर इयर्स के लिए इसकी फीस लगती है इसकी जो लास्ट कट ऑफ है फाइव सिक्सटी रह सकती है फर्स्ट राउंड में हो सकता है ज्यादा कट ऑफ हो लेकिन सेकेंड राउंड या मोपअप राउंड तक जो भी है इसकी लास्ट कट ऑफ फाइव मार्क्स तक रह सकती है इसके बाद हमदर्द की बात करें हमदर्द दिल्ली में सिचुएटेड है और इसकी पहले जो फीस थी वो फोर्टीन लाख थी अभी इसकी फीस 16 लाख पर ईयर हो गई है ये जो 14 पहले 5 साल की फीस ली जाती थी, लेकिन जो अभी सॉरी ईयर्स लाख है वो फोर एंड हाफ ईयर्स की यानी साढ़े चार साल की फीस ली जाती है हमदर्द की अभी ये ली जाएगी पहले पांच साल की ली जाती थी अभी ये साढ़े चार साल की फीस ली जाएगी 16 लाख पर ईयर के हिसाब से ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ ट्यूशन फीस ही है हॉस्टल व अदर एक्सपेंस कॉलेज वाइज डिपेंड करते हैं ये एक से दो लाख एक्स्ट्रा होते हैं वो तो 565 मार्क्स पर ये मिल सकती है लास्ट कट ऑफ इसकी रह सकती है 565 फर्स्ट राउंड में थोड़ी कट ऑफ ज्यादा जा सकती है लेकिन आपको फाइव फाइव तक ये कॉलेज मिल सकता है आगे वाले राउंड में अब बात करें हम हमदर्द का जो माइनोरिटी कोटा है मुस्लिम मेजॉरिटी की कट ऑफ जा सकती है 470 हालांकि इसकी फीस दोनों कोटा के लिए जो ओपन कोटा होता है उसके लिए और मेजॉरिटी कोटा होता है उसके लिए सेम रहती है फीस में कोई अंतर नहीं है सिंबायोसिस ओनली गर्ल्स कैंडिडेट का कॉलेज है महाराष्ट्र में सिचुएटेड है इसकी फीस 10 लाख ,00 पर ईयर है और 10% का इसमें इंक्रीमेंट है 545 547 मार्क्स पर या 545 मार्क्स पर कट ऑफ जा सकती है लास्ट ऑफ हो सकता है फर्स्ट राउंड की कट ऑफ थोड़ी ज्यादा हो के मैंगलोर के मैंगलोर की सेम फीस है जो मणिपाल की फीस थी वही फीस है थोड़ा सा होस्टल फीस में अंतर है दोनों में 540 मार्क्स पर के मैंगलोर का पुलिस मिल सकता है आपको के एमसी मणिपाल के बाद मणिपाल टाटा यह भी के मणिपाल का ही टाटा के साथ में इसमें कोलोबरेशन है तो ये झारखंड में स्थित है जमशेदपुर में सोलह लाख उन्नीस हजार फीस वही पुरानी फीस है इसकी इसकी ये कॉलेज कॉलेज मिल सकता है नया है इसकी है नया इसलिए कट ऑफ थोड़ी डाउन जाती इसके बाद में लोनी की बात करें महाराष्ट्र की सत्रह लाख पचास हजार इसकी फीस इंक्रीज हो गई है फोर सिक्सटी पर ये कॉलेज मिल सकता है आपको इसके बाद में हुबली का जो नया कॉलेज है कर्नाटका का जेएलएन की ब्रांच है वो अः पहले जो फीस थी इसकी फोर्टीन लाख फोर्टी थाउजेंड थी अभी हंड्रेड फोर्टी का 17, 56, हो गई है, 425 पर ये कॉलेज मिल सकता है जे एस एस मैसूर ये नाइनटीन लाख एटी सिक्स थाउजेंड फोर हंड्रेड इसकी फीस हो चुकी है फोर हंड्रेड थर्टी मार्क्स पर ये मिल सकता है कॉलेज जेल बेलागवी कर्नाटका का कॉलेज है सेम फीस अठारह लाख पच्चीस हजार डिक्लेयर हो चुकी है इस साल के लिए तो ये फीस है जेलन बेलाग की अब बात करते हैं हम नेक्स्ट में अमृता कोचिंग की इसका फरीदाबाद में भी कैंपस इसी साल से स्टार्ट हो रहा है यानी कि फरीदाबाद में भी ये कॉलेज ओपन हो चुका है और इसी साल से रन हो गया है इसकी फरीदाबाद के लिए भी ट्यूशन फीस सेम है नाइनटीन लाख पर ईयर है फाइव साल फाइव के लिए ये फीस ली जाती है और फोर हंड्रेड तक इसकी कट ऑफ रह सकती है फरीदाबाद की कट ऑफ में आगे आपको बता देता हूँ लास्ट में एमजेम एम नवी मुंबई की फीस अभी डिक्लेयर नहीं हुई है ये 2022 की फीस ही यहाँ पर शो हो रही है 20 लाख रुपए थी 2022 में इसकी फीस 395 लास्ट कट ऑफ रह सकती है ये लास्ट राउंड की कट ऑफ नहीं है ये लास्ट कट ऑफ है किसी भी राउंड में कट ऑफ रह सकती है इतनी कट ऑफ रहेगी लास्ट कट ऑफ एस डी यू कोलार कर्नाटका का कॉलेज है सेवनटीन लाख सिक्सटी थाउजेंड फीस अभी डिक्लेयर नहीं हुई है नई ये पुरानी फीस है थ्री सिक्सटी फाइव मार्क्स पर ये मिल सकता है आपको येनोफोया कर्नाटक का कॉलेज है इसकी हॉस्टल और मैस सब कुछ मिला करके यानी कि सारा सब कुछ मिला के आपको ट्वेंटी लाख पड़ेगा इसमें होस्टल अदर फीस में सब कुछ आ गया थ्री एटी पर मिल सकता है 380 से थोड़ा डाउन भी जा सकता है मुस्लिम माइनोरिटी की जो फीस है फीस सेम है है ये भी 370, पर ये भी पर क्लोज हो सकता इसमें वैसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है लेकिन फीस को देखते हुए इस बार ये भी कट ऑफ डाउन जा सकती है लास्ट कट ऑफ एम जे एम औरंगाबाद की भी फीस अभी पुरानी फीस ही है शो नहीं हुई है नई फीस थ्री सेवनटी फाइव मार्क्स पर ये कॉलेज मिल सकता है कलिंगा अठारह लाख पचास हजार फीस है प्लस सेवेंटी फाइव थाउजेंट एक्स्ट्रा अदर चार्जेज ये पिछले साल की फीस फिफ्टी टू पर मिल सकता है ये बी बीजापुर की बात करें कर्नाटका की तो एटीन लाख ,00 अभी फीस इस साल की डिक्लेयर हुई नहीं है थ्री ट्वेंटी फाइव पर मिल सकता है श्री रामचंद्र चेन्नई का बेस्ट इंस्टीट्यूट है लेकिन फीस काफी ज्यादा है पांच साल तक फीस लगती है पच्चीस लाख रुपए थ्री सिक्सटी पर ये मिल सकता है कॉलेज SBS SBKS जैन मेजॉरिटी का गुजरात का कॉलेज है वडोदरा का लाख 1875000 फीस है इसकी 320 पे मिल सकता है ये जैन मेजॉरिटी में भी फीस सेम है ये 165 यानी काफी डाउन जाती है जैन मेजॉरिटी की मौलाना हरियाणा का डिमड यूनिवर्सिटी है 17 लाख ,00 विद 10% इंक्रीमेंट के साथ में 340 मार्क्स पर ये कॉलेज मिल सकता है आपको नेक्स्ट कॉलेज की बात करें श्री सिद्धार्था टमकुर कर्नाटका का कॉलेज है इसके दो ब्रांच हैं एक टमकोर में है और एक है टी बैगोर में तो इसकी फीस एटीन लाखी सिक्स थाउजेंड है और ये जो लास्ट कट ऑफ इसकी रह सकती है वो थ्री ट्वेंटी फाइव कट ऑफ रह सकती है लास्ट कट ऑफ भारतीय विद्यापीठ पुणे की बात करें तो तेईस लाख सैतालीस हजार थ्री फोर्टी रह सकती है आई एम एस भवनेश्वर अच्छा इंस्टीट्यूट है उन्नीस लाख साठ हजार फीस काफी ज्यादा है लेकिन इंस्टीट्यूट टॉप का है थ्री हंड्रेड थर्टी फाइव कट ऑफ रह सकती है फीस के कारण इतनी कम कट ऑफ रहती है अदरवाइज ये कॉलेज काफी हाई रैंक पर जा सकता है डी आर डी वाई पाटिल कोल्हापुर महाराष्ट्र का है ट्वेंटी लाख सिक्सटी थाउजेंड फीस है थ्री ट्वेंटी पर जा सकता है ये टी बेगोर की सेम टमकूर की फीस है, है राजा राजेश्वरी बेंगलोरों की ट्वेंटी थ्री लाख सेवेंटी फाइव पर मिल सकता है बीवीडी टू फोर्टी पर मिल सकता है लाख इसकी फीस है वर्दा, इसके दो कॉलेज है, 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 है इन सब की फीस अभी डिसाइड हुई नहीं है इसमें ओल्ड फीस ही है अभी जैसे ही इसकी फीस डिक्लेयर हो जाएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कृष्णा कार्ड की बात करते हैं बाईस लाख पचास हजार इसकी फीस है और 235 मार्क्स पर मिल सकता है डीआरडीवाई पाटिल पुणे का 25 लाख ,00 फीस है और 5 परसेंट इंक्रीमेंट है पर ईयर का 225 मार्क्स पर ये कॉलेज मिल सकता है कट ऑफ इसकी काफी ज्यादा है मैंने ये लास्ट कट ऑफ बताई है इसके बाद जो स्लेम का कॉलेज है तमिलनाडु का 20 लाख ,00 फीस है 145 पर मिल सकता है पुडुचेरी का कॉलेज है 19 ,00, फीस है 140 श्री बालाजी चेन्नई का 25 लाख ,00, 125 मार्क्स पर मीनासी का है बाईस लाख पचास हजार एक सौ बीस मार्क्स पर मिल सकता है एसीएस चेन्नई का ट्वेंटी थ्री लाख फीस है मार्क्स पर मिल सकता है, ये सारे जो ट्वेंटी से लेकर ट्वेंटी फाइव तक की फीस के तमिलनाडु के सारे कॉलेज हैं, पुडुचेरी का एक सौ पंद्रह पर मिल सकता है बाईस लाख ,00 की फीस पर इसमें भारत चेन्नई का है तेईस लाख फीस है एक सौ दस नंबर पर मिल सकता है वीआईएल त्री वेलूर ये बीस लाख पंद्रह हज़ार इसकी फीस अभी इक्कीस लाख हो गई है पाँच साल के लिए एक सौ पंद्रह मार्क्स पर मिल सकता है श्री सत्य साई चेन्नई जो इसकी ब्रांच है इसमें पुडुचेरी में भी ब्रांच है वो बाईस लाख इसकी फीस है एक सौ दस मार्क्स पर मिल सकता है अमृता जो फरीदाबाद का है थ्री एटी मार्क्स पर मिल सकता है क्योंकि काफ़ी रिपोटेटेड इंस्टीट्यूट है और नाइनटीन लाख पर ईयर इसकी फीस है फाइव ईयर्स के लिए फीस ली जाती है लेकिन ये इस तरफ से दिल्ली के पास होने से स्टूडेंट इसको काफी लाइक करेंगे और मैं सोचता हूं कि इसकी जो लास्ट कट ऑफ रहेगी वो थ्री एटी के नियर तो बाई कॉलेज बाकी जैसे काउंसलिंग का शुरू हो जाएगा शेड्यूल हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे अगर आप काउंसलिंग के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारी बुक डाउनलोड कर सकते हैं उसमें डिम्ड के बारे में भी हमने पूरी जानकारी दे रखी है ऑल इंडिया

आप इसको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से या फिर हमारी वेबसाइट डब्लू डब्ल्यू डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हैं तो जैसे ही आप ये डाउनलोड करेंगे हम आपसे संपर्क कर लेंगे तो ये जानकारी थी डिम्ड के बारे में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम लेके आते रहते हैं मिलेंगे नई अपडेट के साथ में नए वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद